सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक तरफ मोरगांव अर्जुनी के सीडीएम विजय कुमार सूर्यवंशी दिन रात सड़क अर्जुनी एवं मोरगांव अर्जुनी तहसील स्तर के रेत तस्कर एवं गौण खनिज के तस्करों को दबोच कर कार्रवाई कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मोरगांव अर्जुनी के तहसीलदार और सड़क अर्जुनी के तहसीलदार तस्करों को पनाह देने का काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। मोरगांव अर्जुनी और सड़क अर्जुनी तहसील वैसे तो चर्चा का विषय ही रहता है। इन दोनों तहसीलों के तहसीलदार हमेशा से ही रेत तस्कर गौण खनिज तस्करों के साथ ही सहयोगी बने रहते हैं। अक्सर लाखादूर तहसील से बड़े पैमाने पर रेत की तस्करी कर मोरगांव अर्जुनी तहसील में सप्लाई किया जाता है। लाखनदूर के रेत तस्कर मोरगांव अर्जुनी शहर में रेती को जमा कर रखते हैं। अर्जुनी के रेती तस्कर सप्लायर को वह अपनी ट्रैक्टर से रेत कर तस्करी करते हैं। ठीक इसी प्रकार सड़क अर्जुनी तहसील से नवे गाँव बांध में बड़े पैमाने पर रेती की तस्करी करके लाई जाती है। किशोरी को भी रेत तस्कर बड़े पैमाने पर रेत की तस्करी कर रेती को गोठन गांव, महागांव इन इलाकों में रेती की तस्करी करते हैं। जैसा आप अभी देख रहे हैं कि यह सारे अकेले विनायक कुमार सूर्यवंशी जो कि मोरगांव अर्जुनी के एसटीएम हैं, इन्होंने इन वाहनों को रेत तस्करी और गौण खनिज की तस्करी में रात में मोटरसाइकिल से घूमकर पकड़ा है। लेकिन दोनों तहसील के तहसीलदार हाथ पर हाथ धरे रहकर रेत तस्करों के सरगना बन गए हैं, जिससे यह दोनों अधिकारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान लग गए हैं। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।